स्टोन अटैक कैसे? इट्स ओके ओके। और कुछ तो नहीं आ रहा है? नहीं, दैट्स इनफ। आपको लगी तो नहीं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। और आपको? नहीं, मैं ठीक हूँ। ओहो, वैसे आपका ये हवाई जहाज उतरा कहाँ से है? ऊपर से। नहीं, वो तो मुझे भी पता है। ऊपर से? आप ऊपर से आ कहाँ से रही हैं? ऊपर मेरा हॉस्टल है। ओहो, काफी खतरनाक तरीका आपका उतरने का। मेरे ख्याल से अब उठा जाए। हाँ। ऐसे ही उतरती हैं आप हमेशा? नहीं नहीं, वो मेरा पैर फिसल गया था, वो इस बैग के कारण। बैग? अरे मेरा बैग कहाँ है भाई? ओहो, वो रहा, मैं अभी लेके आता हूँ। अच्छा, फिर आप आगे आए। कमाल है भाई, चलो जी। जा रही हो? आओ हम छोड़ देते हैं। कहाँ जाना है यार? इन लड़कियों को पता नहीं कौन सी बीमारी है यार, इन लड़कियों से पूछो तो बात का जवाब ही नहीं देती। हेलो, ओ भैया, भैया तुम क्यों परेशान कर रहे हो? जो वो थारते बात ही नहीं करना चाह रही,
तुझे बताऊं परेशान करना क्या होता है? अच्छा मैं ही बता दूं, ये ले भाग ले जल्दी, मार दिए रे पकड़ ले जल्दी, ये ले एसी दे दे इसकी, चल 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 भाग जल्दी, अरे चल 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 जल्दी, अरे अरे रुक जाओ, सुन तो जाओ, शर्म नहीं आती साले को? अरे आ जाओ, कुछ कसर रह रही हो तो मैं समझा दूं तुम्हें। कमाल है, जब वहां लड़ाई हुई थी तो थोड़ी डर गई थी, तो फिर इसीलिए वहां से आ गई, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूं। चलो हम माफी दे देते हैं। के नाम है आपका? निशा। और आपका? प्रकाश। क्या संजोग है, जब भी आपसे मुलाकात होती है तो मैं कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम में ही डाल देती हूँ। कुछ दे ही रही है ना, वरना आजकल कहाँ किसी के पास कुछ देने को है, सब लेना चाहते हैं। काफी खुश दिल है आप। हाँ खुश भी रहता हूँ और दिल भी रखता हूँ। लगता है किसी का इंतजार कर रही हैं आप? हाँ मौत का। ओ ओके। हैं क्या? मुझे लगता है शायद फेल हो गई हैं आप। अरे आप दोबारा कोशिश कर लेना, आप फिर पास हो जाओगी। आप उठो और अपने घर जाओ। घर ही तो नहीं जा सकती, मेरे बाबूजी मुझे मार डालेंगे। क्या पागल हैं आप? अरे इतनी सी बात के लिए कोई अपनी इतनी प्यारी बेटी को क्यों मारेगा? आप इस तरह मायूस ना हो और अपने घर जाए। ये तो आई एम प्रेग्नेंट। हाँ मेरे पेट में बच्चा है। ओहो ये समस्या है, वाकई ये तो बड़ी समस्या है। मैं आपकी समस्या को समझ सकता हूँ और बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। तो क्या उसने शादी से मना कर दिया? मैंने उसे कितनी बार बोला मैं शादी से पहले कुछ नहीं करूँगी। मेरे बाबूजी ने मुझे कितना समझाया था, विश्वास तोड़ा है मैंने अपने माँ बाबूजी का। उन्हें पता चलेगा तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। मेरी जैसी को तो मर ही जाना चाहिए। और एक नया जीवन जो आपके पेट में पल रहा है, और अगर आप ऐसे घर चली जाए तो? और मैं क्या बोलूंगी कि बिना शादी के ही? देखो निशा, जीवन में हर इंसान कोई ना कोई गलती करता है, लेकिन अकलमंद वो है जो इनसे सीख लेकर आगे बढ़ जाए। पर अब मैं क्या करूं? तुम किसी को साथ लेकर अपने घर चली जाओ, वो एक दो दिन वहां रहे और फिर चला जाए। कह देना वो चला गया, कुछ भी कह सकते हैं ना फिर तो। कि वो मुझे छोड़कर चला गया? हाँ हाँ आजकल ऐसा होता है ना। आप कितने अच्छे इंसान हैं, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कितनी कोशिश कर रहे हैं, पर आज ऐसा कोई भी नहीं है। सुनो मिश्राना, ऐसा मैं हूं। आपके घर में कौन कौन है प्रकाश जी? मेरी वाइफ ओनली। सिर्फ वाइफ? और मम्मी पापा? मैं अनाथ हूँ। ओह सो सैड। वैसे आप यहाँ कैसे? मैं अपनी वाइफ की खुशियों के लिए बहुत पैसा कमाना चाहता था और उसको खुश देखना चाहता था, ताकि जो भी वो चीज़ें चाहती है वो उसको मैं दे सकूँ, और उसी लिए मैं यहाँ कमाने के लिए आया था। फिर क्या हुआ? और मैं वो कमाकर वापिस जा रहा था, अचानक मुझे दो बच्चे मिले जो
खो गए थे, अपने माँ बाप से बिछड़ गए थे। अच्छा। मैं उन्हें छोड़ने के लिए उत्तरकाशी गया, उत्तरकाशी के पास ही उनका कोई गांव था। अच्छा। जब मैं वहाँ गांव में उनको छोड़कर वापस चला तो अचानक बाढ़ आ गई और वो पुल टूट गया। ओह। पुल टूटने के कारण मैं वहाँ एक साल तक फंसा रहा, क्योंकि वो पुल ही नहीं बना, और एक साल बाद वो पुल बना तो मैं वहाँ से आया। ओहो, तो अब आप घर जा रहे थे? नहीं। तो मैं जब वहाँ से आया तो मैं जिस बूढ़ी अम्मा के यहाँ रहता था उसका जवान बेटा गुजर गया था। ओहो। तो मैं फिर उसकी सेवा करने लगा, उसकी दुकान चलाने लगा, और उसके दूसरे बेटे को खत लिखा जो बाहर काम करता था। ओहो। तब वो बेटा आज आया है, मैं उसे उसकी अम्मा और मकान सौंप कर आज घर वापस जा रहा था। आप बहुत ही नेक दिल हैं। जो घर जा रहे थे उसका क्या होगा? और दो दिन बाद चला जाऊंगा, उन्हें तो पता भी नहीं है ना कि आज मैं आ रहा हूँ। मतलब 3 साल पहले मैं यहाँ आया था और आज वापस जा रहा हूँ। एक बात बोलूं, मैंने आज तक आप जैसा इंसान नहीं देखा जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है। हाँ, करता तो हूँ। और जो आप मेरे लिए किए हैं और बच्चे के लिए भी, हम दोनों आपका शुक्रिया अदा करते हैं मन से। बस सामने वो हमारा गांव है। अरे सुनो, अरे अब आप शादीशुदा हैं, ये बात तो हमें ध्यान देनी चाहिए थी। ये लो। नहीं नहीं नहीं, ये सामान तो आपकी बीवी का है, मैं नहीं लूंगी। इसकी ज्यादा जरूरत यहाँ है। ये भी लो और ये भी लो। देखो ये सामान आया किसके लिए और इस्तेमाल कौन कर रहा है। वो कहते हैं ना, जो चीज जिसके लिए बनती है वहीं पहुंचती है, चाहे इंसान कुछ भी कर ले। वो सामने ही है हमारे खेत। बाबूजी प्रणाम। ये क्या है और ये कौन है? बाबूजी ये प्रकाश है। कौन कौन प्रकाश? किसका प्रकाश? हमारा प्रकाश। मतलब मैंने इनसे शादी की है बाबूजी। निशा, शारदा, शारदा, अरे कहाँ हो, बाहर आके देखो। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा, अब देखते हैं क्या ठीक हो जाएगा। यहाँ नहीं चलेगा ये सब, हम इस शादी को नहीं मानते। लेकिन हम तो मानते हैं। शारदा! क्या हो गया है, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे निशा, मम्मी। अरे बिटिया, मम्मी क्यों रुला रहे हो, क्या आफत आ गई? अरे आफत ही तो आई है। कहाँ है? वहाँ है, देखो तो। क्या इसीलिए पैदा किया इसको, हमारे नाम मिट्टी में मिला दिया, हमें तुमने धोखा दिया है। बाबूजी हमने धोखा नहीं दिया किसी को कभी। हम पहले कह रहे थे फिर ये लड़का पकड़। बाबूजी इनका नाम प्रकाश है। हम पहले कह रहे थे कि लड़की को बाहर पढ़ाने मत भेजो, यही पढ़ाओ जो पढ़ाना है। अरे यहाँ भी तो स्कूल कॉलेज है, लड़की बाहर जाकर पता नहीं
क्या गुल खिलाए? क्या गुल खिलाई मैं? हम वहाँ पढ़ रहे थे। पढ़ रही थी? ये डिग्री लेके आई है? अरे हमें भी कुछ बताएं, हुआ क्या? अंधी हो रही हो, दिख नहीं रहा? तुम्हारी लड़की शादी करके आई है। अरे हमारी बेटियाँ इतनी बड़ी हो गई है। शारदा! दादाजी, दादाजी देखिए ना, आप बाबूजी को समझाइए ना। हाँ हाँ, हमें समझाओगे? अरे ये तो कमाल हो गया। एक बात बता देते हैं, ऐसी शादी ज्यादा दिन नहीं चलती, दो दिन का नशा उतर जाएगा। हम ऐसे लड़कों और लंबेरी से अच्छी तरह वाकिफ हैं। अब बस भी करिए। ये नौटंकी देख के बस करूं? बाबूजी आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ, हम ठीक नहीं कर रहे। हाँ, अरे तुमने मेरे विश्वास पे थूक दिया, धप्पा लगा दिया ठाकुर निहाल सिंह के खानदान पर। और तुम्हें तो मुंह काला करके डूब मरना चाहिए इससे शादी करके। और तू क्या करता है तू? जी वो आइसक्रीम बेचता हूँ। हे भगवान, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? आप भी कुछ बोलें, इसको बिगाड़ने में आपका हाथ भी है। कुंवर जी, हम दादा हैं इनके। नमस्ते जी। भगवान जोड़ी बनाए रखे तुम्हारी। हमें तुम्हारे पास से मिठाई की खुशबू आ रही है। जी जी हाँ, अभी देता हूँ। ये लीजिए। बेटे की शादी हुई है, मुंह मीठा करो। बाबूजी मत मारी गई है सबकी, कोई लिया शर्म नहीं, बिगाड़ दो सबको, कोई कसर ना रह जाए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया। बाबूजी हमेशा ऐसे क्यों पेश आते हैं? कभी ये नहीं कहते, बेटा तुमने जो किया और ठीक करते हो। हमेशा हर एक बात पे एक नया ड्रामा खड़ा करते हैं। माँ, ना तुमने कुछ कहा ना दादाजी ने कुछ कहा, फिर सारी प्रॉब्लम उन्हें ही क्यों होती है? हमेशा ऐसे ही करते हैं। हमें चिढ़ है बाबूजी की इन बातों से। निशा, वो तुम्हारे बाबूजी हैं। जानती हूँ मैं। बिटिया हम जानते हैं, वो नहीं बदलेंगे, बहुत जिद्दी स्वभाव है उनका। अगर वो जिद्दी है माँ, तो मैं भी उनकी बेटी हूँ। उनको समय के साथ थोड़ा बदलना चाहिए। कब क्या करना है क्या नहीं करना है कभी पूछते हैं आपसे कुछ? हमसे कौन पूछता है, तुमने पूछा। एक फोन कर देती तो यहाँ पर हम कुछ करते, कुछ इंतजाम कर देते, बात करते, हो सकता हम ही करा देते ब्याह। माँ ये हम जानते थे, बाबूजी इस शादी को कभी नहीं मानेंगे, इसीलिए हमने खुद ही कर लिया। बेटा हर माँ बाप के अरमान होते हैं, तुम्हारी शादी के कितने अरमान थे हमें और तुम्हारे बाबूजी को। सब कोई चाहता है कि अपनी बेटी की शादी करे, अपने घर से उसकी विदाई करे। माँ आप ही तो हमेशा कहती हो, बेटी सुनो सबके मन की पर करो अपने मन की। तो ये तुम्हारा मन है? हाँ माँ। तो ठीक है, भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब बस भगवान का ही तो सहारा है। हाँ बेटा सब ठीक हो जाएगा। शादी करके कितनी सुंदर हो गई हमारी बिटिया। आज बड़े दिनों बाद घर का खाना खा रहा हूँ। मेरी मम्मी ने खास तौर से आपके लिए बनाया है। बहुत स्वादिष्ट खाना है, लाजवाब। भूखे को खाना मिल जाए तो लाजवाब अपने आप हो जाता है। खाले खाले, पेट भर के खाले। बेटा तुम और निशा मिले कहाँ? जी वो मैं वहाँ पहाड़ी के नीचे जा रहा था और ये ऊपर होस्टल के बाहर आइसक्रीम बेच रहा होगा। बिल्कुल जी जी हाँ। और एक बात बता भाई, इसे तुम कैसे जानते हो? क्या तुम जाड़ों में भी आइसक्रीम बेचते हो? जी जाड़ों में मूंगफली बेचता हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पापा ये फेरी लगा के नहीं बेचते हैं, इनकी बहुत बड़ी शॉप है ना जी।
हाँ हाँ एक इन्हें देखिए, लगे हैं नमक डाले में। मुझे समझाने की जरूरत ना है, मैं इस नमक से मरने वाला नहीं हूँ। मेरे दादाजी पूरे 100 साल के होके मरे हैं और पिताजी 98 साल के, और अब मुझे देख, इनसे ज्यादा ही जीऊंगा। समझ गया आप कहाँ के हो। ये कहाँ से है? ये तो गाजियाबाद से है, है ना? वहाँ आपके माता पिता होंगे? जी नहीं, मैं अनाथ हूँ। बहुत बढ़िया, हमारे 5000 साल के ऐतिहासिक ठाकुर खानदान की लड़की एक अनाथ को ब्याह के लाई है, हैं? अरे जिसके पीछे कोई नहीं है आगे क्या होगा? पापा आप इनके बारे में जानते क्या हैं? तू जानती है? हाँ मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ। ये अपनी पत्नी से कितना प्यार करते, मैं जानती हूँ। अगर किसी को दुखी देखते हैं तो सहायता करते हैं, मैं जानती हूँ। ये बड़ों की इज्जत करना जानते हैं। अरे इसकी भी कोई इज्जत है? क्या हुआ कुंवर जी? नहीं कुछ नहीं माँ जी। कितना प्यार, कितना ध्यान, कितना केयर करते हैं हमारे गांवों में अपने बच्चों को। सचमुच महान है हमारा गांव का कल्चर, हमारे गांव का समाज। कितना अपमान करने की कोशिश करते हैं हमारे बाबूजी आपका। ये तो उनका प्यार है अपनी बेटी के लिए, वो सोचते हैं कि वो अपनी बेटी के लिए उससे ज्यादा अच्छा सोचे। पर इसका ये मतलब तो नहीं कि वो आपका अपमान करे। नहीं, कितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये सब गया हूँ मैं इसके लिए। किसके लिए? कि कोई मुझे डांटने वाला हो, कोई मेरा ध्यान रखने वाला हो, कोई मेरी केयर करने वाला हो, जैसे तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी फिक्र है। फिर भी उन्हें कोई हक नहीं वो आपसे इस तरह से बात करें। नहीं नहीं तुम गलत सोच रही हो। सोचो अगर मेरी लड़की किसी अनजान लड़के को लेकर अचानक मेरे घर आ जाए तो मैं क्या करता? मैं भी तो यही करता। नहीं आप ऐसा कभी नहीं करते। शायद करता, मैं जानती हूँ आप ऐसा कभी नहीं करते। चलो छोड़ो, 2 दिन की तो बात है, फिर मैं चला जाऊंगा। माँ ये तुम्हारा पलंग? मेरी शादी में आया था ये पलंग, मेरे पिताजी ने दिया था और तो पैदा भी इसी पे हुई थी। माँ इसकी क्या जरूरत थी आज, किसी भी कमरे या खाट पे सो जाते ना हम। कैसी बात करती है बेटी, कुंवर जी को मैं खाट पे सुलाती। देखिए कुंवर जी, इसके पिताजी की बातों का बुरा न मानिएगा, गांव और देहात में लोग ऐसी शादी को नहीं मानते। आप कैसी बात कर रही हैं? मैंने माँ और बाबूजी का प्यार पहली बार पाया है, मैं तो भाग्यशाली हो गया इस घर में आके। भगवान आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे, किसी की बुरी नजर ना लगे। क्या है ये, मैं यहां सोऊंगा? धीरे बोलिए। क्यों डरता हूँ किसी से क्या? आप नहीं डरते हैं, सब आपसे डरते हैं। सुनो, एक तो उसने हमारी लड़की को बहका के उसे शादी कर ली, हमारे घर में घुस आया, और अब मेरे कमरे में, मेरे बेड पर, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। तो क्या खाट पर सुलाती कुंवर जी को? कुंवर जी है? कुंवर जी मत कहो उस बदमाश को, उसने हमारी लड़की को हमसे पराया किया है, समझी? हर बेटी को कोई ना कोई पराया करता है, आप भी तो मुझे पराया करके ले आए। हाँ मैं बाकायदा बैंड बाजा बारात लेके गया था, दुनिया के सामने 7 फेरे लिए और इज्जत के साथ कार में बैठा के लाया था तुम्हें, और वो
कौन है वो? जमाई है हमारा, हमारी बेटी की पसंद है। पसंद? ऐसी होती है पसंद है? अरे अनाथ है, अनाथ। खानदान का आता पता नहीं, मूंगफली बेचता है, बन गया ठाकुर निहाल सिंह के खानदान का दामाद। देखिए, अपनी बेटी का साथ हम नहीं देंगे तो और कौन देगा? वो देगा, देगा वो, देखना एक दिन हाथ साफ करके चला जाएगा वो। और सुनो, मेरी अलमारी का ताला बंद है? नहीं तो? जाओ, जल्दी जाओ, ताला बंद करके आओ, नहीं तो वो। अब मैं उनके कमरे में नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुम और तुम्हारी बेटी उसे बिठा सकती हो, खिला सकती हो, बस। खाना खाइए। खाना? हाँ खाना, शायद तब आपने ठीक से खाया नहीं होगा, मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैंने सचमुच खा लिया था। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, शायद अच्छे से भी अच्छे। एक और अच्छा इंसान है। कौन? जिसे भगवान ने तुम्हारे लिए बनाया है, जो आएगा और इस दुनिया की सारी खुशियां तुम्हें दे देगा। आप मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हैं शायद। नहीं, मेरा ऐसा विश्वास है कि तुम्हारे जैसी प्यारी लड़की को भगवान ज्यादा दिन तक दुखी नहीं रख सकते। जल्द ही कोई आने वाला है जो सिर्फ तुम्हारे लिए बना होगा। क्या आप ऐसी लड़की से शादी करते जिसके पेट में किसी और का बच्चा हो? जरूर, अगर मैं उससे प्यार करता। सच? आप आराम कर लीजिए। ये आप क्या कर रही हैं? बिस्तर लगा रही हूँ अपना। आप नीचे सोएंगी? मैं सोऊंगा नीचे, आप ऊपर सोइए। नहीं, आप मेहमान हैं। मेरा तो सारा जीवन ऐसे ही गुजरा है, मुझे आदत है। आपको तो कितने लाड प्यार और आराम से पाला गया है। कौन? अरे पापा। हाँ अंदर आ जाइए बाबूजी। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आप भी ऊपर ही सो जाइए। वो क्या है, इस कमरे में अलमारी है, इसमें सामान भरा है, कोई भी आ जा सकता है। और अगर कोई आपको नीचे सोता हुआ देखेंगे तो शक करेंगे। प्रकाश, प्रकाश। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हें देख रहा हूँ, रानी लग रही हो एकदम। थैंक यू। आपको एक तकलीफ देनी थी दरअसल। हाँ जी कहिए। तैयार होकर नीचे चलिए। जी नीचे कुछ खास है क्या? आइए आइए कुंवर साहब, आपको देखने पूरे गांव के औरतें आई हैं। हाँ जी, निशा ने मुझे बताया। हाँ बिटिया ने बताया होगा आपको कि ये हमारे यहाँ पे कुल देवता है। जी। और हमारी ये परंपरा है कि जो शादी करके आते हैं लड़का और लड़की, उन दोनों को वहाँ जाकर दिया जलाना पड़ता है। तो चलिए कुल देवता का आशीर्वाद लेने। जी ठीक है, आइए चलिए। Thank you.
निकाल निकाल जल्दी निकाल। अबे शुक्र करो कि तुम्हारे माँ बाप ना आए, वरना बीड़ी पीने को नहीं मिलती। हाँ हाँ बीड़ी बहुत बढ़िया है। किसकी दुकान पर तले आ? रामपाल की। हाँ सही है। खाना खा लो, आज तो घर आ जाते। क्यों, आज कोई बहुत बड़ा दिन है? खुशियां मनाऊं? जमाई आया है, नाचूंगा हूँ। बहुत ऊंचा नाम हो रहा है ना बरातरी में। अब तो गुस्सा थूक दो, बिटिया से गलती हो गई, अब हम ही लोग तो उसे संभालेंगे। क्या क्या संभालेगी, क्या क्या संभालेगी? अभी तो ये लंबे रिश्ते की जिल्लत है। आज जब उसे छोड़ के जाएगा ना तो तुम उसे संभालना। जी मुझे लड़का तो बड़ा भला लगता है, सब ठीक होगा, भगवान पर भरोसा रखिए। ठीक कहा बहू ने, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, वो हमेशा अच्छा ही करते हैं। सब मूर्खता की बातें हैं, बहुत देखी है ऐसी शादियां, ज्यादा दिन नहीं टिकती, उसे भागने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर और दो चार दिन के लिए रुक जाते तो अच्छा होता। हम नहीं चाहते कि हमारे जाने के बाद कोई तमाशा बने। अच्छा अब मैं चलता हूँ। हम क्या कह रहे थे, आप यहीं रुक जाते? हम में दिमाग ही नहीं है, हमें आप पर क्या हक है रोकने का? तो दिमाग की सुनो, दिल तो पता नहीं क्या क्या सोचता है। सही कह रहे हैं आप, ये दिल ना जाने कब और कैसे किसी को अपना समझने लगता है। ये नादान नहीं समझ पाता कि निशा में सिर्फ अंधेरा ही होता है, प्रकाश नहीं। एनीवेज आपने मुझे नई जिंदगी दी है, ऐसा सभी के साथ नहीं हमारे साथ हुआ जब हम मरना चाहते थे। और अब हमें एक और फर्ज निभाना है, हमारा 3 साल से इंतजार कर रही है। वो कितना खुश होगी ना आपको पाकर, और मैं कितना उदास होऊंगा तुम्हें खोकर। अपना ख्याल रखना, खुश रहना हमेशा। अरे कुमार जी माफ करना, मैंने आपको पीछे से टोक दिया। शर्मिंदा कर रहे हैं दादाजी आप, और हाँ मेरे नाम के बाद जीना लगाया करें, बच्चा हूँ आपका। अरे आप दामाद हो हमारे,
जानते हो तुम उस ठाकुर निहाल सिंह के खानदान के दामादों जिसे अंग्रेज भी सलाम ठोकते थे? अपनी अहमियत समझो। आओ मैं तुम्हें अपने खेत दिखा के लाता हूँ। मिठाई है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। इतनी दूर तक आपकी निगाह जा रही है, ये सब खेत अपने हैं? जी। इसमें बाप दादा के जमाने से खेती कर रहे हैं हम। ओहो, इतनी खेती आसपास में किसी के भी पास नहीं है। जी। जी। वो जो बाग आप देख रहे हैं उसके पार भी जितने खेत हैं सब हमारे हैं। अब एक मिठाई और दो। लीजिए लीजिए। अरे भाई, तुम डॉक्टर हो? सब एक ही बात कहते हैं, मिठाई ना खाओ वो ना खाओ। अब मैं क्या करूं, इसमें स्वाद है, मीठा है, तो खाने का दिल करेगा ही ना। अब लोगों के कहने सुनने पे चलेंगे तो खाना तो हराम ही होगा ना। उदास क्यों हो बेटा? प्रकाश कहाँ है? माँ, उन्हें कोई जरूरी काम आ गया था, वो शहर गए हैं। झगड़ा तो नहीं हुआ तुम्हारा? नहीं माँ। तो क्या तुम्हारे बाबूजी की बात का बुरा मान गए वो? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या बात है? मैंने पहले ही कहा था कि लड़का धोखा देगा। मेरी सुनी किसने? अब भाग गया? अब भुगतो अपने करे को। कुंवर जी सुबह की सैर करने गए थे। बोरी अब इससे साथ लेके? बेटा इतना झगड़ा मत किया करो, पति है तुम्हारा, प्यार से रखो। मैं अभी भी कहता हूँ ये लड़का जो है दामाद कहो या कुंवर साहब। नहीं मानता मैं ऐसे दामाद, मुझे इसकी नीयत पे शक है। दाल में काला है, ड्रामा है सब ड्रामा। और मैं इस बहरूपिया का असली रूप दिखा के रहूंगा। हाय दीदी। राजन। हाय दीदी। हाय दादू दोस्त। खुश रहो मेरे बच्चे, खुश रहो। प्रणाम मम्मी। खुश रहो। हाय पॉप्स। पॉप मत कहा कर मेरे को। ओके पिताश्री। आओ मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ, चलो ना। किससे मिलवाने ले जा रही हो? राजन ये तुम्हारे जीजा जी हैं। जीजू? दीदी ये क्या बिना बताए सरप्राइज? क्या रिएक्शन था पुरानी परंपराओं का? हाँ राजन। एनीवे मुबारक हो आपको जीजा। थैंक यू। एंड माय क्यूट दी, कांग्रेचुलेशन। वैसे मेरी छुईमी दीदी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, कमाल कर दिया आपने। और सुन देख, ऐसा कमाल तू मत कर बैठना। मतलब करे तो पूछ लेना। बाबूजी आप भी ना बच्चों में बच्चे हो जाते हो। बुढ़ापे का दूसरा नाम बचपनी तो है, क्यों बच्चे हो? ठीक है चलो खेतों पे काम करना है। सुनो इसे भी कुछ आता हो तो लिया खेत पे। चलो रे। हाँ बेटा तू मेरे साथ चल। जल्दी आ जल्दी। सुनो आ जा चल। ये बैग अंदर रख दो। हमारे बहुत शानदार गेंदे के फूल की खेती है, अगर आप देखना चाहें तो आ सकते हैं। वहाँ नहीं उधर, वहाँ से ले लो, उधर ज्यादा है। और तुम ना दूसरी वाली लाइन ले लो। अरे वो नहीं वो वाली। पीछे जाओ,
उधर से निकलो, उधर से। सुनो, फूल तोड़ना, पेड़ मत उखाड़ना। दीजिए जी छोटी मालकिन। जी मालिक। बात ही करोगे या काम भी करोगे? कहाँ जा रहे हो? मैं काम वाम नहीं करूंगा, मेरे बस की नहीं है। हाँ अरे बोलू, इधर आ, यहाँ आओ इधर। हाँ ये लो और ध्यान से तोड़ना। जी मालिक। जा चलो 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 भाई चलो। अरे चलो 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 चलो, चलो बहुत हो लिया। चलो आजा 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 चलो। अरे नहीं 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 हाँ भैया थक गए आप? अरे नहीं नहीं मुझे तो काम करने में बड़ा मजा आता है। कैसे इंसान हैं आप? कैसा हूँ बताओ? बहुत प्यारे। जब हम छोटे छोटे थे ना तो यहाँ पर खेलते थे। अच्छा। हम लोग यहाँ नहाते भी थे, कैसे बताऊँ? कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा रुक तो जरा। निशा 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 क्या हुआ निशा? हाँ हाँ आराम से उठो, ठीक हो ना तुम? आ, आ, निशा आ, आ, चल पाओगी ना तुम? आ, 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 निशा
तुम बहुत ही प्यारी और खूबसूरत हो, और तुम्हारे साथ बिताए हुए ये पल मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत पल हैं, और तुम्हें पाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार होता, पर क्या करूं, मैं शादीशुदा हूं। मैं समझ सकती हूं, भगवान ऐसा क्यों करते हैं? जो उसकी मर्जी, पर कहते हैं ना कि उसकी मर्जी हमारे लिए सबसे बेहतर होती है। तुम कपड़े बदल लो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। दरवाजा तो बंद हो गया। हाँ, अब क्या होगा? अब दर्द दूर कैसे किया जाए? आए, काश कोई मारा भी दर्द दूर करने वाला होता, चाहे तीनों का एक ही होता। आए हाय, क्या कह दिया। बहुत ज्यादा दर्द है। हाँ। मैं इसको दूर करके ही छोड़ूंगा। आप ही तो हैं जब से मिले हैं मेरा दर्द दूर करने में लगे हैं। काश ये मेरे हाथ में होता तो मैं तुम्हारे सारे गम ले लेता और अपनी सारी खुशियां तुम्हें दे देता। भगवान को तुम्हें दुख नहीं देना चाहिए, सिर्फ खुशियां ही खुशियां देनी चाहिए। अरे कहीं चले तो नहीं गए? आह, उफ, उफ, आह। मम्मी, मम्मी। हाँ बिटिया, उठ गई? जी मम्मी। मम्मी, वो आज आपने प्रकाश को देखा है? नहीं बिटिया, आज तो नहीं देखा। हे भगवान, वो कहाँ चले गए? अगर वो ऐसे ही चले जाएंगे तो पापा क्या कहेंगे? सुनो, प्रकाश को देखा है कहीं? नहीं जी, हमने तो नहीं देखा। चाल बदल गई। अरे देखते जाओ, अभी तो पता नहीं क्या क्या बदलेगा। इतनी जमीन जायदाद के होते हुए तू शहर में नौकरी करेगा? मैं नौकरी नहीं, बिजनेस की बात कर रहा हूँ। बिजनेस का मतलब भी समझता है? कमाल करते हैं आप, MBA किया है मैंने। अरे फैक्ट्री किताबी ज्ञान से नहीं चलती है। माय डियर पॉप, मुझे पाप मत बोला कर। ओके पिताश्री, मैं ये कह रहा था मुझे फैक्ट्री नहीं चलानी, ट्रेडिंग करनी है। माल लिया, माल दिया, प्रॉफिट जेब में, नो टेंशन। कितनी आसानी से कह दिया। बेटे दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, बिना तजुर्बा कुछ हासिल नहीं होता। तजुर्बा भी तो काम करने से ही होता है। एग्जैक्टली। तुम क्या जानो मैं क्या चाहता हूँ? औलाद अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, एक बाप इससे ज्यादा क्या चाह सकता है? हाँ, लेकिन पैरों पे खड़ा होने के लिए मेहनत लगती है, सपने देखने से नहीं। सपने इंसान को प्रेरणा देते हैं मंजिल तक जाने की। सुनो, बेशक तुमने मेरी बेटी को बहका लिया है, पर मैं उसे बहकने नहीं दूंगा। और हाँ एक बात और, तुम्हें हमारे घरेलू मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। बाबूजी, सही बात कहने में हर्जी क्या है? तुम पे तो इस बहरूपिया ने जादू कर रखा है, वही बोलेगी जो ये चाहेगा। अरे इतना सब कुछ हो गया, आखिर तू चाहती क्या है? बाबूजी, मैं चाहती हूँ राजन अपनी मर्जी से काम करे। वाह भाई वाह, बेटी अपनी मर्जी से शादी करे, बेटा अपनी मर्जी से बिजनेस करे, फिर हम क्या है? अरे क्या यही सब कुछ होना था ठाकुर निहाल सिंह के खानदान में? काफी नाराज लगते हैं आप। क्यों ना हो, क्यों ना हो,
तुम सब तो खानदान की इज्जत से खेलो और मैं नाराज भी ना हूँ। नफरत है मुझे ऐसी बातों से और खासकर तुमसे। काश आप मुझे समझ पाते। कुंवर साहब याद रखो, तुम्हें दो ही आदमी समझ सकते हैं, एक वो जो तुमसे नफरत करता है और दूसरा वो जो तुमसे मोहब्बत करता है। आओ। I'm sorry. मेरी वजह से आपको बहुत बेइज्जत होना पड़ा। बड़ों की डांट बेइज्जती नहीं होती, आशीर्वाद होता है, और इसी आशीर्वाद की तो मेरे जीवन में कमी थी जो इस घर में आकर पूरी हुई है। अब शायद वो समय आ गया है जब मुझे चले जाना चाहिए। ये ऐसी बातें हैं जिसमें ना तो मैं ना कर सकती हूँ और ना ही हाँ। मैं भगवान से हमेशा दुआ करूंगा कि वो तुम्हें हमेशा खुश रखे। क्या हुआ, सबके साथ ये भी धुल जाएगा? मैं अपने आप धो लेता, आप क्यों धो रही हैं? अरे बेटा तो क्या हो गया? मैं अपने कपड़े खुद धोता हूँ। अरे बेटा शादी के बाद अपने कपड़े खुद नहीं धोने चाहिए। निशा क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। चलो मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ देता हूँ। आप क्यों मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं चाहिए मुझे मदद। पर क्यों? कब तक करेंगे आप मेरी मदद? आज, कल, परसों, फिर क्या? कौन करेगा? चलो मैं कमरे में छोड़ देता हूँ। नहीं, आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और अपना काम करो। मैं अपना काम करूँ? अरे निशा
सुनो, निशा, निशा। ए, तुम क्या समझते हो है? निशा से शादी करके इस घर के मालिक बन जाओगे और मैं तुम्हें जमीन जायदाद में हिस्सा दे दूंगा? नहीं, हर किस नहीं होगा ये। आप क्या समझते हैं मैंने निशा से शादी इस जमीन जायदाद के लिए की है? बिल्कुल, ये जमीन, ये जायदाद, ये रुतबा हमारे पुरखों की निशानी है, निशानी, और इसे हम किसी राह चलते को नहीं दे सकते, और उसे तो बिल्कुल नहीं जिसने हमारी शान में पट्टा लगाया हो और बिरादरी में नीचे दिखाया हो। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। कुछ नहीं समझते तुम, अरे इसे तो कोई खानदानी आदमी ही समझ सकता है। अगर खानदानी होते तो शादी करने से पहले सोचते। मैं जानता हूँ। कुछ नहीं जानते तुम, अगर जानते तो मेरी नाराज लड़की को यूं ना बहकाते। क्या दे सकते हो तुम उसे? मैंने उसे वही सब कुछ दिया है जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। तुमने उसे सिर्फ बेवकूफ बनाया है और कुछ नहीं। काश मैं आपको सब कुछ बता सकता। अरे तुम हो ही नहीं इस काबिल। किस काबिल हो तुम? क्या दे सकते हो तुम? ये शान शौकत, रुतबा, ऐशो आराम दे सकते हो? उसको शायद आपके प्यार, सम्मान, साथ और केयर की जरूरत है। सुनो, नाली में गिर जाने के बाद दूध बर्तन के काबिल भी नहीं रहता है। पीने की बात तो दूर, ओस की बूंद की तरह कोमल है वो, एक बच्चे जैसी मासूम है वो, आपकी बगिया का सुंदर फूल है वो। अरे नौटंकी है सब, नौटंकी, और करंग है वो लड़की हमारे खानदान पर। जानते नहीं है आप कितना सम्मान, कितना आदर, कितना प्यार है उसके दिल में आपके लिए। जान दे सकती है वो आपके लिए, लेकिन आपको अपने ठाकुर नाना अहम के सामने कुछ दिखाई नहीं देता। कभी करीब जाकर तो देखो उसके, दिल में झांक कर तो देखो उसके, तब पता चलेगा आपको। चल। अरे कुमार साहब, लगता है निशा से झगड़ा हो गया। अरे बेटा, जहां दो बर्तन हो खड़कते हैं, होता है, लेकिन मियां बीवी की नोकझोंक का अलग ही मजा है। बोलू रो बेटा। जी मालिक। अरे बैग रखो इनका। हाँ आओ मेरे साथ, रखाओ इसे, आओ हमारे साथ दो बैग लगाओ और गुस्सा भूल जाओ। बोलू जा दो गिलास लेके आ। अरे पिंटू तुम नमकीन लेके आओ। जी मालिक। हमारा क्या, हम तो नमक से भी काम चला लेंगे। अरे कुंवर साहब तो दामाद हैं हमारे, स्पेशल हैं। लो कुछ खा लो। नहीं मुझे भूख नहीं है, तुम ही खा लो। तो कुछ और लाऊं? नहीं नहीं दादी, और कुछ नहीं वैसा। अरे बेटा जो कहोगे एक आवाज में यही आ जाएगा। अच्छा दादाजी, आपकी दादी से कभी लड़ाई होती थी? आप तो इतने अच्छे और सुलझे हुए इंसान है। अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं, यहाँ दिल में प्यार होता है ना, तकरार भी खूब होता है भाई। तो फिर आप उन्हें मनाते थे या वो आपको मनाती थी? कभी हम उनको मना लेते थे, कभी वो हमको। वेरी गुड, कैसे कैसे मनाते थे? गाना गाकर। आज तुम भी गाकर देखो। हा? तुम भी गाकर देखो। मुझे तो गाना आता ही नहीं है। जब दिल में प्यार होता है ना, सब कुछ हो जाता है। कोशिश तो कर। जब आप कह रहे हैं ना, तो आज ये भी करके दिखा देंगे। ये भी सही है। देखो रूठी मेरी जान निकलती जाए, देखो रूठी वो नादान मेरी जान निकलती जाए, मेरी जान निकलती जाए।
को कुछ भी समझ में ना आए। देखो रूठी मेरी जान निकलती जाए। देखो रूठी वो नादान मेरी जान निकलती जाए। मुस्कान में तो छुपी है उसकी शान। अरे वो पागल है वो भोली है बिल्कुल है अनजान। गजब सी इस मुस्कान में तो छुपी है उसकी शान। मुझसे जब वो नैन चुराए से जब वो नैन चुराए कतई सहा ना जाए। देखो रूठी मेरी जान निकलती जाए। देखो रूठी वो नादान मेरी जान निकलती जाए। देखूं मैं छुप छुप के उसको शायद वो मुस्काए। सुध बुध खो देता हूँ बिल्कुल जब वो यूं शर्माए। देखूं मैं छुप छुप के उसको शायद वो मुस्काए। सुध बुध खो देता हूँ बिल्कुल जब वो यूं शर्माए। कोई उसको समझाए कोई उसको समझाए वो मेरी ही हो जाए। देखो रूठी मेरी जान निकलती जाए। देखो रूठी वो नादान मेरी जान निकलती जाए। वो है ऐसी हूर परी कोई फूल से खुशबू वाली। चंचल तितली के जैसी छुई मुई सी नाजुक डाली। वो है ऐसी हूर परी कोई फूल से खुशबू वाली। चंचल तितली के जैसी छुई मुई सी नाजुक डाली। हाय रे मैं मर जाता हूँ हरे मैं मर जाता हूँ जब नखरे वो दिखलाए। देखो रूठी मेरी जान निकलती जाए। देखो रूठी वो नादान मेरी जान निकलती जाए। देखो रूठी मेरी जान निकलती जाए। देखो रूठी वो नादान मेरी जान निकलती जाए। प्रकाश 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 ऐसी कोई बात नहीं है प्रकाश। मुझे पीनी नहीं चाहिए थी पर मैं क्या करूं। मुझसे तुम्हारे दर्द
देखे नहीं जाते। काश भगवान तुम्हारे सारे दर्द दूर कर, चाहे उसके लिए मेरी जान ले ले। मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करने लगा हूँ ये तो मैं भी नहीं जानता। काश तुम हमारे होते। बाबूजी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, बस एक शराब पिलाने की कसर रह गई थी। लेकिन आपसे इस हालत में बात करने का फायदा ही क्या है, नशे में। मेरा नशा तुम्हारे गुस्से से कहीं अच्छा है वीरू। शराब पिलाने के बहाने अगर न रोकता कुंवर साहब को, उस मूंगफली छाप को मेरे सामने कुंवर साहब मत कहो। सच्चाई कबूल करना सीखो वीरू। किस किस को सिखाओगे है? किस किस को सिखाओगे? बिरादरी के सामने क्या मुंह दिखाएंगे है? कोई रास्ता? हाँ है, बिरादरी के सामने फेरे करा देते हैं दोनों के, सबकी जुबान बंद हो जाएगी और रह जाएगी तेरी शान भी। बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ बात तो कुछ ठीक है। दादाजी निशा को देखा है क्या? नहीं कुंवर जी, मैंने तो नहीं देखा। अरे बेटा सुनो, तेरे से कुछ बात करनी थी। बाबूजी कोई नहीं कोई नहीं। अरे रुको, अरे सुनो, निशा को देखा है? नहीं, निशा मैम को तो नहीं देखा। सुनो माजी, निशा कहाँ है? अभी तो बेटा यही थी। अरे कुंवर जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो निशा, रात मैंने वो, आज मुझे जाना होगा। हाँ आज तो आपको जाना ही पड़ेगा, मगर ये लोग बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा कर रहे हैं। मगर कैसे? हमारे फेरे डलवाना चाहते हैं। ऐसा क्या? अब क्या होगा? रिलैक्स मिस्टर प्रकाश, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आपने इतने नाजुक मोड़ पे मेरा साथ दिया, मुझे नई जिंदगी दी। अब मुझे सामना करना है, मैं जरूर करूंगी। मगर कैसे? मैं सबको सच बता दूंगी। नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं करोगी। तो क्या आपको फंसा दूं? नहीं, हमने जो प्लान बनाया था प्लान वही रहेगा। मैं वापस नहीं आऊंगा, तुम कह देना उसने मुझे छोड़ दिया। पर तुम कोई मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता बता दो। पीछे एक रास्ता तो है, पर मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। यही ठीक है? और हाँ, पर तुम मेरी कसम खाओ पहले कि जो मैंने कहा तुम वही करोगी। हाँ ठीक है, पर मैं आपकी कसम नहीं खाऊंगी। अगर आप कसम नहीं खाएंगे तो मैं जाऊंगा भी नहीं। आपकी कसम, मैं वैसा ही करूंगी जैसा आप कहते हैं। और जो मैंने कहा था किसी ने माना? अरे बार बार कहा था ऐसी शादी ज्यादा दिन नहीं टिकती है, वो लड़का छोड़ देगा इसको।
अरे जिसका घर है ना ठिकाना है ना खानदान का आता पता है, अरे एक राह चलते को मूंगफली बेचने वाले को बना दिया ठाकुर खानदान का दामाद। मेरा मन आज भी कहता है वो लड़का ऐसा नहीं है, वो एक अच्छा लड़का है। तुम तो बोलो ही मत, इनकी गलतियों को बढ़ावा तुम देते हो तुम। दादाजी ठीक कहते हैं, जरूर कोई बात होगी, मुझे ऐसे नहीं लगते वे। ए, तू अपना मुंह बंदी रखे ना तो ठीक रहेगा। मुझे विश्वास है वो जरूर आएंगे। बकवास बंद करो, उसने हमारी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारे खानदान की इज्जत का फलूदा बना दिया है? और इधर देखो, किसी का विश्वास है किसी का मन करता है, है? जवान काट डालूंगा जो किसी ने उसका नाम भी लिया। अरे क्या हुआ मेरी बिटिया को? अरे क्या हो गया मेरी बिटिया को? बस बेटी बस। बस आपकी बेटी ठीक ठाक है और स्वस्थ है, वो माँ बनने वाली है। इन दिनों में ऐसा अक्सर हो जाता है, मैंने उन्हें दवाई दे दी है, ठीक हो जाएगा, बस देखभाल कीजिए। रंग जिंदगी।
लगी है के है सब नजारे बेरंग जिंदगी है के है सब नजारे बच्चा ये सब क्या है? मैं बताता हूँ भैया। तुम क्या बताओगे रामपाल? तुम तो मुझे अपना छोटा भाई कहते थे। आप इतने सालों तक नहीं आए, ग्राम समाज तरह तरह की बातें करने लगा। ये अकेली बेचारी क्या करती? मैंने इसको सहारा दे दिया। रजनी, तुम रामपाल के साथ खुश हो? हाँ भैया, ये मेरे साथ खुश है और मैं इसके साथ खुश हूँ। फिर भी मैं रजनी से पूछ रहा हूँ, मैं साइकिल ले जाऊं? हाँ ले जाओ। ओ मेरे भाई, ये देख क्या कर रहा है। क्या हो गया? अरे क्या हो गया ये? ये क्या कह रही है तू? आज मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। इन्होंने तो मेरी जान बचाई है मेरे पति होने का नाटक करके। जब मैं शिमला में पढ़ती थी, वहाँ हॉस्टल में मेरा किसी के साथ अफेयर हुआ था, उसने मुझे ये बच्चा दिया। मैं तो अपनी जान देने वाली थी, इन्होंने मुझे नई हिम्मत दी आपको फेस करने की, वरना आपकी ये बिटिया आज आपको मरी हुई मिलती। हाँ
जीवन दिया है और आप इन्हें ही मार रहे हैं। मैं तो आज आपको फिर एक खुशी देने आया था। क्या बेटा? मुझे निशा से शादी कर रही है। सच्ची? लेकिन वो आपकी पत्नी? मैं जब घर पहुंचा तो पता चला वो किसी और के साथ शादी कर चुकी है। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं निशा को अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूं। तुम्हें कांटा समझा था पर तुम तो खून निकले। आज मैं दुनिया के सामने गर्व से कहता हूं ये है हमारे कुंवर साहब। <laughs> <laughs>